फरवरी के किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए हरियाणा और पंजाब सरकार ने एक बार फिर से मुस्तैदी दिखानी शुरू करी है इस समय मैं शंभू बॉर्डर पर मौजूद हूं और पिछली बार की तस्वीरें अगर आपको याद हो तो पिछली बार भी शंभू बॉर्डर से ही किसानों का आंदोलन शुरू हुआ था और सबसे पहले ये तस्वीरें आप देखिए अबकी बार सीमेंट के बड़े-बड़े बैरिकेड बड़े लगाकर पूरे इसको पक्के मसाले से सीमेंट और रोडी के पूरे मसाले से इस पूरे उसको भरा जा रहा है ताकि पिछली बार किसानों ने इस सारे बैरिकेडिंग को तोड़कर नीचे नदी में फेंक दिया था लेकिन आपकी बार आपको नदी की भी तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं नदी में भी जैसी भी मशीनें लगाकर पूरी खुदाई कर दी गई है ताकि किसी भी सूरत में किसान सड़क के ऊपर से या नीचे से अपने ट्रैक्टरों के माध्यम से भी जो है दिल्ली की तरफ कूच ना कर सके देखिए पूरी नदी में जेसीबी मशीन लगाकर खुदाई की गई है अभी भी आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी क्रेन्स यहां पर लगाई गई हैं और ये जो सीमेंट की दीवार जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये बैरिकेडिंग है जिसे बिना क्रेन की मदद से हिलाया नहीं जा सकता हालांकि पिछली बार भी इसी तरह की कोशिशें की गई थी लेकिन किसानों ने अपने ट्रैक्टरों से इस पूरे बैरिकेडिंग को पूरे इलाके को तोड़ दिया था लेकिन अब की बार सरकार पिछली बार से सबक लेकर सीख चुकी है और यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से एक पक्का बैरिकेड बनाया जा रहा है जिसको सीमेंट के मिक्सचर लाकर भरा जा रहा है कुल मिलाकर कहते हैं दूध का जला हुआ लस्सी को भी फूक मार मार करके पीता है तो शायद पिछली बार से सरकार ने कुछ सीखा है और अब की बार एक तरफ वार्ता चल रही है तो दूसरी तरफ सरकार ने पूरी तरीके से तैयारियां शुरू कर दी हैं कि किसान दिल्ली की तरफ जा ही ना सके कैमरामैन चांदीराम के साथ सतेंद्र चौहान शंभू बॉर्डर आज तक तेरह फरवरी के किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए सरकार ने शंभू बॉर्डर को पूरी तरीके से सील कर दिया है सीमेंट के बड़ी बड़ी बैरिकेडिंग लगा दी है किसान नेता हमारे साथ मौजूद है सर जिस तरीके से सरकार रास्तों को बंद कर रही है क्या लगता है कि ये जो किसानों का दिल्ली कूच है हो पाएगा सरदार जंग सिंह सूबा प्रधान भारतीय किसान एकता कला जो ये कर रही है ना ये पाकिस्तान वाला काम कर रही है पाकिस्तान बॉर्डर ला रही है अभी ਉਧਰ ਤੋਂ ਉਧਰ ਹੋ ਨ ਜਾਣ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਛੜਕਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਅੱਜ ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਛੜਕਾ ਰੋਕਤੀਆਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਾ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਸਲੇ ਮੰਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੰਨੇ ਤੇ ਵੀ ਸੋਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਮੈਂ ਲਾਗੂ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰੂੰਗਾ पर नहीं हो कर रहे हैं क्या वो मारा कर रहे हैं किसान फिर किस तरीके से आप आगे बढ़ोगे क्योंकि बैरिकेडिंग लगा दी पे पूरा हम तो जाएंगे जी आगे हम तो तोड़ के देखो जो ना रास्ता होता है किसान अपना रास्ता खेत में भी तो बना लेता है ना जी यहाँ भी बना लेंगे नदी में भी नीचे जैसी भी मशीन चलाकर उसको भी खुदाई कर दी गई है तो हो जाए कुछ भी हो जाए ना पिछली बार भी तो खट्टर सरकार ने कितना किया था फिर भी तो लंघ गया ना किसान तो लंघ गया रुका तो नहीं ऐसे ही लंघ जाएंगे तो ये किसान नेता हैं ये भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं आप देख सकते हैं भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात है तस्वीर आपको जो है हाईवे की भी मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से पक्की सीमेंट की दीवारें यहाँ पर खड़ी कर दी गई हैं बाकायदा मिक्सचर बुलाकर यहाँ पर इसको सीमेंट और बजरी की पक्की दीवार के रूप में बदला जा रहा है चारों तरफ पे यहाँ पर ट्रैफिक जाम भी लगना शुरू हो गया है तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किसान नेता अपने ट्रैक्टर लेकर यहाँ पर पहुंचने लगे हैं और वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से पिछली बार उन्होंने दिल्ली की तरफ आ, आ, मार्च किया था चाहे कुछ भी हो जाए अब की बार भी वो दिल्ली जाकर रहेंगे तो कुल मिलाकर तेरह फरवरी को ऐसा लग रहा है एक बार सड़कों पर फिर से किसानों और पुलिस के बीच में एक बड़ा गतिरोध दिखाई दे सकता है